इस ब्रह्मांड के बारे में आज जो कुछ भी हम जानते हैं उसमें हबल टेलीस्कोप का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। निश्चित तौर पर यह इंसानों द्वारा बनाए गए अब तक के सबसे उत्तम मशीनों में से एक है। सन 1990 में छोड़े जाने के बाद से अब तक इसने कई अहम सवालों के जवाब हमें दिए हैं, जैसे इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की उम्र क्या है, ब्रह्मांड अपने शुरुआती दिनों में कैसा दिखाई देता था, हमारा सौरमंडल कैसे बना होगा, क्या इस ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे दूसरे ग्रह भी मौजूद हैं इत्यादि। पर अभी भी हमारे पास कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देने में ये सक्षम नहीं है, जैसे कि इस ब्रह्मांड का पहला तारा या आकाशगंगा कैसे बना था, या ब्रह्मांड अपनी उत्पत्ति के कुछ समय बाद कैसा दिखता था, शुरुआती दिनों के तारे गैलेक्सीज तथा ग्रहों के साथ ऐसा क्या हुआ जिसके कारण ये ब्रह्मांड ऐसा बन गया जैसा कि आज है, डार्क मैटर तथा डार्क एनर्जी आखिर है क्या तथा इनके निर्माण का कारण क्या था, डस्टी नेबुला में तारे कैसे बन जाते हैं इत्यादि। इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमें हबल से भी ज़्यादा क्षमता वाले टेलीस्कोप की ज़रूरत होगी। हमें एक नए स्पेस टेलीस्कोप की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि हर वस्तु की अपनी एक उम्र होती है जिसके बाद वह काम करने लायक नहीं रहता, और हबल तो पिछले 27 सालों से लगातार अपनी सेवाएं हमें दे रहा है। अच्छी खबर यह है कि नासा ने यूरोपियन तथा कैनेडियन अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर एक बेहतर टेलीस्कोप लगभग तैयार कर भी लिया है जिसे अक्टूबर 2018 में अंतरिक्ष में छोड़ा जाना है। इस एडवांस टेलीस्कोप का नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे इस टेलीस्कोप के बारे में तथा ये भी कि ये हबल से कैसे और कितना अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। पिछले 27 सालों में हबल ने उम्मीद से भी बेहतर काम किया है। ये हबल ही है जिससे हमें ये पता चला कि हमारा ब्रह्मांड न सिर्फ फैल रहा है बल्कि इसके फैलने की रफ्तार लगातार बढ़ भी रही है। इसके कारण ही आज हम ये जानते हैं कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग 14 अरब साल पहले हुई थी। इन जैसी कई और दिलचस्प जानकारियाँ हमें हासिल हुई जो बिना हबल के शायद कभी मुमकिन नहीं हो पाती। हबल की एक खासियत ये भी रही है कि इसने ब्रह्मांड के सुदूर इलाकों में मौजूद खगोलीय पिंडों की तस्वीरें लगातार हमें भेजी हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आज इस ब्रह्मांड की जो छवि हम देखते हैं वो काफ़ी हद तक हबल की ही देन है। पर ब्रह्मांड में कई ऐसे इलाके हैं जहां हबल की नज़रें नहीं पहुंच सकती। उदाहरण के तौर पर अगर किसी आकाशगंगा में काफ़ी मात्रा में धूल हो तो हबल धूल